15 राज्यों की 56 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन सबकी नजरें दो राज्यों पर टिकी है। ये राज्य है उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, जहां बीजेपी ने अपना एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतार कर अपने विरोधियों को ललकारा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की लड़ाई सबसे दिलचस्प हो गई है। राज्य में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए बीजेपी ने 7 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। सबका निर्वाचन निर्विरोध तय था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन यानी 15 फरवरी को बीजेपी ने संजय सेठ के रूप में अपना 8वां उम्मीदवार उतारकर पेच को फंसा दिया है। अब 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। 27 फरवरी को चुनाव की नौबत आ गई है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 37 वोटों की जरूरत है। अब ऐसे में अगर आरएलडी के 9 विधायकों को भी जोड़ ले तो बीजेपी को 286 विधायकों का समर्थन हासिल है, यानी अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पार्टी को 10 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है। इसी तरह समाजवादी पार्टी को अपने तीनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए 111 वोटों की जरूरत है, जबकि उसके पास कांग्रेस को मिलाकर 110 विधायकों का ही समर्थन हासिल है।